बच्चे अगर हम आज के सेशन की बात करें तो आज हम यहाँ पे अपना फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज एंड फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज डिस्कस करने वाले। इनकी अगर हम बात करें तो प्लैटीहेल्मिन्थीज के लिए जो कॉमन नेम यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है बच्चे, आपका फ्लैट वॉर्म। एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है कि ये क्या होंगे, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, ये एनिमल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे एंड उनसे क्या करेंगे, अपने न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करेंगे। सिमेट्री की अगर आप बात करो तो अभी तक सिमेट्री क्या चल रही थी, रेडियल सिमेट्री चल रही थी। अब सिमेट्री कैसी होगी आपकी, यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री होगी। यहाँ पे जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होगी, मतलब वो आपका ऊपर और नीचे, दैट मींस आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड या अपर सरफेस या लोअर सरफेस दोनों से कैसा होगा, बिल्कुल ही फ्लैट होगा। तो इसीलिए आपने इनको क्या बोला है, फ्लैट फॉर्म। अगर आप डायग्राम में भी देखोगे तो आपको इंडिविजुअल दिख रहे होंगे यहाँ पे कि इनकी बॉडी कैसी है, बिल्कुल ही फ्लैट है, दैट्स वाई आपने इन्हें क्या बोला है, फ्लैट फॉर्म बोला है। यहाँ अगर हम एस्केहेल्मिन्थीज की बात करें तो यहाँ क्या प्रेजेंट है बच्चे, हमारी एच शेप्ड रेनेट सेल्स प्रेजेंट है जो बेसिकली किसके लिए रिक्वायर्ड है, एक्सक्रीशन के लिए रिक्वायर्ड है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये आपका एनस में ओपन हो रही है और इसमें क्या प्रेजेंट होगा, एच शेप आपकी रेनेट सेल्स प्रेजेंट होगी। हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग, मैं हूं मेधा जोशी एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चे अगर हम आज के सेशन की बात करें तो आज हम यहाँ पे अपना फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज एंड फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज डिस्कस करने वाले। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है 11th का एनिमल किंगडम, जिसमें हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, देन फाइलम पॉरीफेरा पढ़ा, सीलेंट्रेटा पढ़ा, टीनोफोरा पढ़ा। अब हम आज इसका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज को अपना डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट फाइलम में, दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थीज। इनकी अगर हम बात करें तो प्लैटीहेल्मिन्थीज के लिए जो कॉमन नेम यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है बच्चे, आपका फ्लैट वॉर्म। यहाँ पे हम बेसिकली इनको क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। हेल्मिन्थीज जो आपका सफिक्स आ रहा है बच्चे, उसका मतलब है वॉर्म्स, और इनको हमने क्या बोला है, फ्लैट वॉर्म बोला है। क्यों बोला है ये भी हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं कि इसके पीछे आपका रीजन होगा क्या। अब जैसे कि हमने और भी फाइलम में स्टार्ट किया, सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इसकी बात करो हैबिट एंड हैबिटेट की, तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे आपके, मोस्टली ये कैसी फॉर्म होगी, एक्वेटिक फॉर्म होगी। एंड इसके अलावा ये कैसे हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट हो सकते हैं। एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है कि ये क्या होंगे, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, ये एनिमल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे एंड उनसे क्या करेंगे, अपने न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ आपके कैसे हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, जैसे प्लैनेरिया आपका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, वो कैसा वॉर्म होगा आपका, कैसा प्लेटफॉर्म होगा आपका, फ्री लिविंग वॉर्म होगा। देन नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक आपका कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था। अब प्लैटीहेल्मिन्थीज में बच्चा क्या प्रेजेंट होगा, आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, कि जो आपके टिश्यू सिमिलर टाइप के फंक्शन कर रहे होंगे, अब वो क्या करेंगे, आपका क्लंप होके क्या बना देंगे, ऑर्गन्स बना देंगे। एंड सिमेट्री की अगर आप बात करो तो अभी तक सिमेट्री क्या चल रही थी, रेडियल सिमेट्री चल रही थी। अब सिमेट्री कैसी होगी आपकी, यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री होगी, मतलब अगर आप ऑर्गेनिज्म की बॉडी को क्या करोगे, कट करोगे बाय एनी टू प्लेन, तो ये क्या देंगे आपको, टू इक्वल हाफ्स देंगे। आइदर वो कैसा हो सकता है आपका, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन हो सकता है, या फिर वो कैसा हो सकता है आपका, यहाँ पे वर्टिकल प्लेन हो सकता है। तो जो प्लैटीहेल्मिन्थीज है, जो फ्लैट फॉर्म्स है, इसमें क्या स्टार्ट हो गई, बायलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हो गई। तो बच्चे हमें ये कैसे करके आपको याद रखना है कि कौन से फाइलम से क्या आपका पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, अगर आप इसको इस तरीके से याद रखोगे तो आपको आगे के फाइलम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज से क्या स्टार्ट हो गई, तो बायलेटरल सिमेट्री स्टार्ट हो गई। देन नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं, जर्म लेयर की। एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो आपकी लेयर्स है वो ये कैसा ऑर्गेनिज्म होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। That means यहाँ पे क्या हो गया, आउटर वाली एक्टोडर्म बनी, बीच वाली मिडिल आपकी मेसोडर्म बनी, और सबसे इनर क्या बन गई, एंडोडर्म बन गई। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज में दो चीजों की स्टार्टिंग हुई, पहली तो क्या थी, बायलेटरल सिमेट्री थी, एंड सेकेंड क्या है आपका, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर है। क्लियर है, इतना हमें याद हो गया होगा साथ के साथ, ठीक है।
सीलोम की अगर आप बात करो बच्चा, तो ये भी कैसे होंगे, आपके ए सीलोमेट होंगे। मतलब यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है प्रेजेंट, आपकी जो गट वॉल और जो आपकी बॉडी वॉल के बीच में होगी, वो क्या होगी, यहाँ पे एब्सेंट होगी। इसमें भी कोई भी बॉडी कैविटी आपकी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर आप बात करो तो ये कैसा होगा, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है इसकी बॉडी में केवल एक ही ओपनिंग होगी जो किसकी तरह बिहेव करेगी, आपके माउथ एंड एनस की तरह बिहेव करेगी। क्या फूड का इनटेक भी उसी ओपनिंग से कर रहे हो, एज वेल एज एक्सक्रीशन भी उसी ओपनिंग से कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो प्लेटी हेलमेंथीज है यहाँ पे भी आपका स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा। यहाँ भी जो आपकी बेसिकली रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही होगी वो कैसी होगी, आपकी थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। यहाँ भी जो आपका रेस्पिरेशन होगा बच्चे, वो कैसे होगा, बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। देन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर आप बात करो तो ये यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। बिकॉज अभी ये क्या इतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए एनिमल्स, अभी बस डेवलपमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे भी जो आपका रेस्पिरेटरी और जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है, एब्सेंट है। देन उसके बाद अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल अनसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एसेक्सुअल तो आपको कहां देखने को मिलेगा बेटा, आपके प्लानेरिया में देखने को मिलेगा, कि जो आपके प्लानेरिया है इसमें बेसिकली क्या होगा, आपका फ्रेगमेंटेशन होगा, कि बॉडी क्या होगी, आपके फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी और हर एक फ्रेगमेंट एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। बट मैक्सिमम जो आपकी लाइफ फॉर्म्स है उसमें क्या मिलेगा, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। देन ये कैसे इंडिविजुअल होंगे, हर्माफ्रोडाइट होंगे, कि जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आपके सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, कि जो हमारा फ्यूजन हो रहा है स्पर्म का एंड ओवम का वो किसके अंदर होगा, बॉडी के अंदर होगा। तीनों फोरा में आपने पढ़ा था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बट यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, अपना इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़ा। देन डेवलपमेंट की अगर आप बात करो तो कैसा डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। याद हो गया होगा हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसकी लाइफ फॉर्म में किसकी प्रेजेंस होगी, लार्वा की प्रेजेंस होगी। कि आपका जो इंडिविजुअल है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, पूरी लाइफ साइकिल में एक लार्वा प्रेजेंट होगा। पहले जाइगोट बनेगा, देन वो लार्वा बनाएगा, एंड देन वो क्या बनाएगा, आपका नया इंडिविजुअल एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ा कैसा है, हर्माफ्रोडाइट है, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम एनिमल में प्रेजेंट है। आपने पढ़ा फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और डेवलपमेंट की आपने बात करी तो कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो ये तो क्या थे इसके आपके यहाँ पे, आपके कैसे कैरेक्टरिस्टिक थे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे। नाउ अगर आप यूनिक फीचर की बात करो जो आपके प्लेटी हेलमेंथीज में मिलेंगे, तो आपने सबसे पहले जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने आपको बोला था कि प्लेटी हेलमेंथीज को जनरली हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। वॉर्म्स क्यों बोला, क्योंकि हेलमेंथीज है, लेकिन फ्लैट क्यों बोला, बिकॉज जो आपके प्लेटी हेलमेंथीज है यहाँ पे जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंट बॉडी होगी। मतलब वो आपका ऊपर और नीचे, दैट मींस आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड या अपर सरफेस या लोअर सरफेस दोनों से कैसा होगा, बिल्कुल ही फ्लैट होगा। तो इसीलिए आपने इनको क्या बोला है, फ्लैट फॉर्म। अगर आप डायग्राम में भी देखोगे तो आपको इंडिविजुअल दिख रहे होंगे यहाँ पे कि इनकी बॉडी कैसी है, बिल्कुल ही फ्लैट है। दैट्स वाई आपने इन्हें क्या बोला है, फ्लैट फॉर्म बोला है। और आपने कैसा बोला, अनसेगमेंटेड, कि जो इंडिविजुअल की बॉडी है, जो एनिमल की बॉडी है, उसमें कोई भी सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, बट एक्सेप्ट टेप वॉर्म। अगर आप टेप वॉर्म्स की बात करो तो जो टेप वॉर्म की बॉडी होगी इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, आपके यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, सेगमेंट्स दिखेंगे, ठीक है। तो बॉडी कैसी थी, अनसेगमेंटेड थी एंड ऑल्सो वेंट्रली फ्लैटेंड थी, बट एक्सेप्शन क्या आ गया बच्चा आपका यहाँ पे, फ्लैट वॉर्म आ गया। क्लियर, पहला फीचर हमें याद हो गया होगा। देन नेक्स्ट फीचर पे आते, यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए, अभी तक एक्सक्रीशन की बात हमने नहीं करी थी, प्लेटी हेलमेंथीज से आप एक्सक्रीशन की बात कर रहे हो, कि यहाँ जो एक्सक्रीशन होगा वो किसके थ्रू होगा, आपका यहाँ पे फ्लेम सेल्स या फिर आप इन्हें क्या बोलते हो, प्रोटोनेफ्रिडिया। यहाँ जो आपके एक्सक्रीटी ऑर्गन्स होंगे वो क्या है, आपकी यहाँ पे फ्लेम सेल्स है।
अब इनका नाम ब्रेन सेल क्यों पड़ा, इसके पीछे रीजन क्या है? तो बच्चे इसके पीछे क्या रीजन है, बिकॉज आपकी जो ये फ्लेम सेल है, जो आपको यहाँ पे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, ये आपको किसकी तरह दिखेगी, फ्लेम की तरह दिखेगी। आपने घर में कैंडल जलाई होगी, तो कैंडल जब अपन जलाते हैं तो ऊपर जो उसके फ्लेम दिखती है, जैसे वो क्या करती है, फ्लिकर करती है ना, कंटिन्यूअस नहीं जलती, क्या करती है, थोड़ा थोड़ा फ्लिकर करती है। ऐसी आपकी ये फ्लेम सेल्स होती है, क्या करती है, फ्लिकर करती है, उन्हीं की तरह जैसे कैंडल की लॉ होती है ना, लॉ बोलते हो जनरली आप, फ्लेम बोलते हो, उसी की तरह आपको क्या दिखेंगी, ये फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया दिखेंगी, जो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे, किसका यूनिक फीचर है, प्लेटी हेलमेंथीस का है। ठीक, देन नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। आपने पहले पढ़ा कि कुछ इंडिविजुअल्स तो फ्री लिविंग है, मतलब उनको किसी होस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स कैसे हैं, पैरासिटिक है, पैरासाइट है। तो पैरासिटिक में क्या होगा, आपका यहाँ पे हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होंगे। हुक्स एंड सकर्स क्यों होंगे, हुक के थ्रू तो क्या होगा, अटैचमेंट होगा, सकर्स के थ्रू भी क्या होगा, अटैचमेंट होगा, एंड सकर्स एज वेल क्या करेंगे, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करेंगे। ये क्या करेंगे कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उससे क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये किसमें प्रेजेंट होंगे, आपके केवल पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। एंड कुछ में क्या होगा, कुछ में तो हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट है एब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में क्या होगा कि जो न्यूट्रिशन को वो एब्जॉर्ब करेंगे, वो कैसे करेंगे अपना, थ्रू द जनरल बॉडी सर्फेस, केवल बॉडी सर्फेस के थ्रू वो क्या करेंगे, उसको आपका एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये कैसे होंगे, सपोज ये आपका यहाँ पे किसका, आपका डायग्राम गिवन है, हमारे टेप वॉर्म का डायग्राम गिवन है। तो इसको अगर आप देखोगे तो इसमें क्या प्रेजेंट है, हुक्स भी प्रेजेंट है जो अटैचमेंट में हेल्प कर रहे हैं, एज वेल एज यहाँ पे सकर्स भी प्रेजेंट है जो क्या कर रहे हैं, अटैचमेंट और ब्लड सकिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो ये किसका यूनिक फीचर आ गया, हमारे प्लेटी हेलमेंथीस का आ गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि हमारे प्लेटी हेलमेंथीस के मेन एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, तो बच्चे क्या क्या यहाँ पे मेन एग्जाम्पल होते हैं, एक तो आपने पढ़ा होगा प्लेनेरिया, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है और सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर, हाईएस्ट रीजनरेशन पावर किस में प्रेजेंट होती है, प्लेनेरिया में होती है। इसके अलावा अभी आपने डिस्कस किया बच्चे टेप फॉर्म है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, टीनिया है ना, इसका साइंटिफिक नेम की अगर आप बात करो तो क्या है आपका यहाँ पे, टीनिया। तो ये किसके एग्जाम्पल है आपके यहाँ पे, प्लेटी हेलमेंथीस के, कि यहाँ पे क्या आ गया आपका टेप फॉर्म आ गया, इसके अलावा क्या आ गया आपका प्लेनेरिया आ गया, एंड इसके अलावा क्या आ जाते हैं आपके, फ्लूक आ जाते हैं, फेशियोला एक और क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, फेशियोला, जिसको आप क्या बोलते हो यहाँ पे, फ्लूक बोलते हो, लीवर फ्लूक बोलते हो, है ना। तो आपके कौन कौन से एग्जाम्पल आ गए, प्लेनेरिया, टेप फॉर्म, एंड क्या आ गया आपके, फ्लूक्स आ गए। तो किसके एग्जाम्पल है सारे हमारे, प्लेटी हेलमेंथीस के। तो क्या क्या इसके यूनिक फीचर थे, यूनिक फीचर आपको याद रखने की, क्या प्रेजेंट थी, फ्लेम सेल प्रेजेंट थी, बॉडी कैसी थी, डोर्सोवेंट्रली कैसी थी, आपकी फ्लैटेंड बॉडी थी, एंड क्या प्रेजेंट थे, हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट थे जिसकी हेल्प से वो क्या कर रहे थे, पैरासिटिक एडेप्टेशन कर रहे थे। तो ये सारे किसके फीचर्स पढ़े बेटा, हमने अभी प्लेटी हेलमेंथीस के पढ़े। अब अगर हम अपने नेक्स्ट फाइलम की बात करें, तो नेक्स्ट फाइलम प्लेटी हेलमेंथीस की तरह है आपका फाइलम एसके हेलमेंथीस, मतलब ये भी कैसे है, वॉर्म्स है ना, इनको भी आप क्या बोलते हो, वॉर्म बोलते हो। कैसे वॉर्म बोलते हो बच्चे, इनको आप यहाँ पे राउंड वॉर्म बोलते हो। अब इनको राउंड वॉर्म बोलने के पीछे भी एक पर्पस है, प्लेटी हेलमेंथीस को आपने फ्लैट फॉर्म क्यों बोला, क्योंकि चाहे आप डॉर्सल सरफेस से बात करो, चाहे आप वेंट्रल सरफेस से बात करो, दोनों सरफेस से बिल्कुल क्या है, फ्लैट है। ऐसे ही हमारे एस्केरिस, जो आपके एस्के हेलमेंथीस है, आपने इनको क्या बोला है, राउंड वॉर्म बोला है। क्यों बोला है, इसका रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, आपका आ गया हैबिट एंड हैबिटेट, कैसे होंगे, एक्वेटिक भी होंगे एज वेल एज टेरेस्ट्रियल भी होंगे। अब आपकी टेरेस्ट्रियल फॉर्म मिलनी स्टार्ट हो गई। एंड कैसे होंगे, या तो फ्री लिविंग होंगे, इनकी पूरी लाइफ साइकिल के लिए कोई भी होस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, या फिर ये कैसे होंगे बच्चे, आपके पैरासिटिक होंगे, कि ये आपके पैरासाइट पे डिपेंड करेंगे फॉर दी न्यूट्रिशन। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, तो प्लेटी हेलमेंथीस में क्या पड़ा था, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पड़ा था। यहाँ कैसा होगा बच्चे, आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो अब एसके हेलमेंथीस से लेके आगे के जितने भी आपके फाइलम्स होंगे, सब में कैसा आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जिसमें क्या है, ऑर्गन जो आपके सिमिलर टाइप के फंक्शन कर रहे हैं, दे विल प्रोड्यूस अ ऑर्गन सिस्टम, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, या एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। अब यहां से सिस्टम्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा।
देन सिमेट्री की आप बात करो, प्लेटी हेलमेन थीस से कौन सी सिमेट्री स्टार्ट हो गई हमारी? बाइलेटरल सिमेट्री, कि आप ऑर्गेनिज्म की बॉडी को टू इक्वल हाफ में केवल एक ही प्लेन से कट कर सकते हो, तभी आपको क्या मिलेगा? मिरर इमेज मिलेगा, ठीक। देन नेक्स्ट आप जर्म लेयर की बात करो, तो प्लेटी हेलमेन थीस से अगेन याद करो कौन सी जर्म लेयर अपनी प्रेजेंट हो गई है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, कि अब जो इंडिविजुअल है उसमें आउटर वाली एक्टोडर्म दिखेगी, बीच वाली मेसोडर्म दिखेगी और सबसे अंदर क्या दिखेगी? एंडोडर्म दिखेगी। अब हमारी ये चीज स्टार्ट हो गई है, ठीक। देन सीलोम की अगर हम बात करें, प्लेटी हेलमेन थीस तक जो एनिमल थे वो कैसे थे? ए सीलोमेट थे, कि अभी तक आपको कोई भी बॉडी कैविटी नहीं दिखी थी। लेकिन अगर आप एसके हेलमेन थीस की बात करो तो बच्चे ये कैसे होंगे आपके? श्यूडो सीलोमेट। श्यूडो सीलोम का मतलब क्या हुआ? कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी? हमारी फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी। कैसे? कि आपकी सबसे आउटर मोस्ट क्या हो जाएगी? ये एक्टोडर्म हो जाएगी, ठीक है। बीच वाली आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे एंडोडर्म हो जाएगी। और यहाँ जो मेसोडर्म होगी ये कैसी होगी आपकी? यहाँ पे इट विल प्रेजेंट एज द स्कैटर्ड पाउचेस। ये किसकी तरह प्रेजेंट होंगे आपके? यहाँ पे स्कैटर्ड पाउचेस की तरह प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ अपने को स्पेस तो दिख रहा है, लेकिन ये कैसा स्पेस है? फॉल्स स्पेस है। इसीलिए आपने इसको क्या बोला? श्यूडो सीलोमेट एनिमल बोला। पूरे एनिमल किंगडम में केवल एसके हेलमेन थीस ही ऐसा आपका फाइलम है जिसमें क्या प्रेजेंट होगी? श्यूडो सीलोम प्रेजेंट होगी, ठीक। देन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहां अब कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले कैसा था आपका? इनकम्प्लीट। अभी तक क्या चल रहा था? कि माउथ एंड एनस एक ही ओपनिंग थी, उसी से आप खाना भी खा रहे थे, उसी से हम एक्सक्रीशन भी कर रहे थे। लेकिन अब एसके हेलमेन थीस से क्या स्टार्ट हो गया बेटा? हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कि अब क्या होगी? जो बॉडी होगी उसमें आपके टू डिफरेंट ओपनिंग प्रेजेंट होगी। एक माउथ होगा तो दूसरा क्या होगा? हमारा एनस होगा। माउथ से हम फूड इनटेक कर रहे हो, एनस से क्या कर रहे? एक्सक्रीशन कर रहे। यहां पे क्या होगी? इसके अलावा क्या प्रेजेंट होंगे? हमारे वेल डेवलप्ड फारिंग्स प्रेजेंट होगी। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें सबसे आगे क्या प्रेजेंट होंगे आपके? वेल डेवलप्ड फारिंग्स प्रेजेंट होंगे। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये क्या होगा? एब्सेंट होगा। दैट मींस ये जो आपका रेस्पिरेशन कर रहा होगा वो किसके थ्रू करेगा बच्चे? अपना बॉडी सरफेस के थ्रू करेगा। अभी यहाँ पे रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं हुआ, केवल कुछ कुछ पार्ट्स ही अभी फॉर्म हुए क्योंकि अभी डेवलपमेंट चल रहा है। तो अभी ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा प्रॉपर बना और ना ही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना। देन अब लेकिन क्या बन गया? नर्वस सिस्टम हमारा प्रॉपर बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ कैसा नर्वस सिस्टम होगा? सर्कमफेरेंशियल रिंग होगी। सर्कमफेरेंशियल रिंग का मतलब क्या है? कि जो हमारा फारिंग्स वाला पार्ट है, जो इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट है, वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे? हमारी नर्व रिंग्स प्रेजेंट होगी, है ना। सर्कुलर रिंग्स प्रेजेंट होगी, सर्कमफेरेंशियल रिंग आपकी प्रेजेंट होगी, जिससे किसका अराइज होगा? नर्व्स का अराइज होगा। तो अब नर्वस सिस्टम हमारा प्रॉपरली बनना स्टार्ट हो गया। देन सेंसरी ऑर्गन की हम बात करें, नर्वस सिस्टम बन गया, अब इसमें सेंसरी ऑर्गन्स भी बन गए। जैसे हमें क्या प्रेजेंट है? ईयर है, आई है, नोज है, हमें ये सेंसरी ऑर्गन है। यहाँ बच्चे क्या प्रेजेंट होंगे आपके? कुछ आपके यहाँ पे स्पेसिफिक नेम प्रेजेंट है, जैसे क्या है? पैपिला है, एम्फिड है, एनफेजमिड है। ये क्या नेम है आपके? सेंसरी ऑर्गन्स के नेम है। ये बेसिकली किसकी तरह बिहेव करते हैं? टैंगो रिसेप्टर, मतलब ये कुछ टेस्ट के लिए आपके आएंगे, कुछ आपके क्या आएंगे? टच के लिए आएंगे, और कुछ क्या आएंगे आपके? केमिकल्स के लिए आएंगे, एज अ कीमो रिसेप्टर के लिए आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपके? सेंसरी ऑर्गन्स है, जो किसमें आपको मिलेंगे? एसके हेलमेन थीस की बॉडी में मिलेंगे। देन रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करो तो कैसा रिप्रोडक्शन होगा बच्चे आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट है, अब क्या है? सेक्सुअल फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम का यहाँ पे होगा, ठीक। सेक्सेस क्या होंगे? सेपरेट होंगे, मतलब मेल एंड फीमेल आपके अलग अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे। देन फर्टिलाइजेशन की बात करो तो फर्टिलाइजेशन कैसा है बच्चों आपका? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कि जो हमारा ओवम एंड जो स्पर्म का फ्यूजन होना होगा वो किसके अंदर होगा? बॉडी के अंदर होगा। एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कैसा हो सकता है? या तो डायरेक्ट होगा, मतलब कोई भी लार्वा फॉर्म नहीं प्रेजेंट होगी, या फिर कैसा होगा बच्चे? इनडायरेक्ट होगा, मतलब क्या होगी? लार्वा फॉर्म प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि मेल में क्या प्रेजेंट होगा आपका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, स्पर्म वगैरह, स्पर्म डक्ट, टेस्टिस, ये सब प्रेजेंट होगा। और फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में आपकी क्या प्रेजेंट होगी? यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होगी। यहाँ पे जो हमारे सेक्सेस है वो क्या होंगे? सेपरेट होंगे, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे। तो ये सारे तो बच्चे हमने क्या पढ़े? जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, लेकिन अभी यूनिक फीचर्स तो हमारे बाकी है।
यूनिक फीचर की अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी बॉडी है वो सर्कुलर होगी क्रॉस सेक्शन में, कि जब आप इंडिविजुअल की बॉडी को कट करोगे, डायग्राम में अगर आप देखो कि अगर आप इसको कट कर रहे हो तो आपको ये कैसी दिख रही है, यहाँ पे सर्कुलर दिख रही है। इसीलिए आपने एसके हेलमेंथीस को क्या बोला था बच्चे, राउंड वॉर्म बोला था। राउंड वॉर्म बोलने के पीछे पर्पस क्या है कि जब आप बॉडी को क्रॉस सेक्शन में कट करोगे तो आपको क्या दिखेगी, सर्कुलर दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैसी मसल्स प्रेजेंट है, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है। ठीक, देन कैसी एपिडर्मिस होगी, सिंसाइशियल एपिडर्मिस। सिंसाइशियल एपिडर्मिस का मतलब क्या है कि जो एपिडर्मिस है वो कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएट है। कि आपके एपिडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिंसाइशियल बोलते हैं। ठीक, एंड इसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी बच्चे, थिक क्यूटिकल होगी। क्यों क्यूटिकल आपकी थिक होगी, बिकॉज आपने बोला कि जो हमारे एसके हेलमेंथीस है, आपने कहा कि पैरासिटिक भी है। अब अगर ये पैरासिटिक भी है, सपोज ये अगर हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में तो डाइजेस्टिव जूस है, सबसे पहले स्टमक में क्या है, HCl है। तो इससे अपना प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर क्या प्रेजेंट होगा, थिक क्यूटिकल होगा, ताकि वो क्या कर सके, हार्श कंडीशन में भी क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। क्लियर होगा हमें इतना? ठीक है, देन नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी बच्चे, हमारी एच शेप्ड रेनेट ट्यूब प्रेजेंट होगी, जो क्या करेगी, एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालेगी। प्लेटी हेलमेंथीस में सबसे पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन पड़ा था, क्या पड़ा था, फ्लेम सेल पड़ी थी, प्रोटोनेफ्रीडिया पड़े थे। यहां अगर हम एसके हेलमेंथीस की बात करें तो यहाँ क्या प्रेजेंट है बच्चे, हमारी एच शेप्ड रेनेट सेल्स प्रेजेंट है, जो बेसिकली किसके लिए रिक्वायर्ड है, एक्सक्रीशन के लिए रिक्वायर्ड है। क्लियर है इतना? ठीक है, याद रहना चाहिए हमें किसमें कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारा क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर आपकी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये आपका एनस में ओपन हो रही है, और इसमें क्या प्रेजेंट होगा, एच शेप आपकी रेनेट सेल्स प्रेजेंट होगी। देन इसके अलावा हम नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बच्चे, आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि हम बाहर से ही देख के बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। जैसे ह्यूमंस में होता है, हमें देख के पता चल जाता है ना कि अच्छा ये फीमेल है, अच्छा ये मेल है। ऐसे ही हमारे एसके हेलमेंथीस में आप बाहर से देख के क्या बता दोगे कि ये मेल है और ये आपका फीमेल है। कैसे? कि जो आपके मेल्स हैं वो क्या होंगे, फीमेल के कंपैरिजन में स्मॉलर होंगे। अगर आप उनकी लेंथ की बात करो तो वो कैसे होंगे, स्मॉलर होंगे। एंड इनकी जो टेल होगी वो कैसी होगी, कर्व्ड होगी। अगर आप बच्चे डायग्राम में देखो तो ये आपकी क्या है, फीमेल है, लॉन्गर है एज कंपेयर टू द मेल। एंड अगर आप मेल को देखो तो इसकी जो आपकी यहाँ पे एंडिंग हो रही है टेल की, वो कैसी हो रही है आपकी, यहाँ पे कर्व्ड हो रही है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे अपने एसके हेलमेंथीस का, कि जो मेल की आपकी टेल होगी लास्ट में वो कैसी होगी, कर्व्ड होगी। ठीक है, ये भी हमारा क्या आ गया, यूनिक फीचर में आ गया। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बच्चे, तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके, एक तो एस्कैरिस आ जाता है जो आपका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसमें। इसके अलावा क्या आ जाता है आपका, यहाँ पे वुचेरेरिया आ जाता है, ठीक है, फाइलेरियल वॉर्म जिसको आप बोलते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा, हमारा एनकाइलोस्टोमा आ जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो, हुक वॉर्म बोलते हो, है ना। क्या आ गया आपका, एनकाइलोस्टोमा आ गया। एंड इसके अलावा एक और आपका आता है, दैट इज द लोआ लोआ, जिसको बेसिकली आप क्या बोलते हो बेटा, आई वॉर्म बोलते हो। जनरली किसमें मिलता है, आई में मिलता है। तो हमने एसके हेलमेंथीस के क्या पढ़े बेटा, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े, मतलब जनरल कैरेक्टर पढ़े, एज वेल एज यूनिक फीचर पढ़े। तो हमने आज दो फाइलम आपके कंप्लीट किए, पहला था प्लेटी हेलमेंथीस और दूसरा क्या था आपका, एसके हेलमेंथीस था। आपने अभी तक इतने सारे फाइलम पढ़ लिए, आपने देखा होगा धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चे, एनिमल में डेवलपमेंट हो रहा है। पहले बस केवल सेल प्रेजेंट थी, फिर सेल ने आपका क्लंप करके टिश्यू बनाया, देन टिश्यू ने ऑर्गन बनाया, और अब हमने क्या स्टार्ट कर दिया, ऑर्गन सिस्टम कर दिया। अभी ऑर्गन सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ, अभी कुछ कुछ सिस्टम हमारे एब्सेंट है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो एनिमल किंगडम में बच्चे हम यही सारी चीजें पढ़ते हैं, जो हमारा बेसिक फाइलम है पॉलीफेरा, उससे लेके पूरा जो कॉर्डेटा है, जो सबसे एडवांस फाइलम है, वो सारा हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, हमारे अपने एनिमल किंगडम के अंदर डिस्कस करते हैं। तो बच्चे आज हमने
दो अपने यहाँ पे फाइलम्स पढ़ ली, दैट इज कौन कौन से थे, प्लेटी हेलमेंथीस और दूसरा क्या था आपका एसके हेलमेंथीस। अब आपको क्या करना है, आपने लेक्चर देखी है, अब आपको इसके बाद क्या करनी है, अपनी एनसीईआरटी उठानी है, एनसीईआरटी में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को वापस पढ़ना है एंड इससे रिलेटेड जो आपके PYQs हैं, PYQ सॉल्व करने हैं और जो भी बुक आप अपनी लगा रहे हो स्टडी मटेरियल उसको आपको क्वेश्चंस को लगाना है, ठीक है। एंड कोई क्वेरी हो तो आप उसको चैट बॉक्स में अपना पूछ सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट NCERT को पढ़ना है। तो बेटा थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।